नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पार्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर्स वीडियो है यह बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री का यह लेक्चर्स वीडियो है और यह लेक्चर संख्या 6 आप लोग के सामने है। लेक्चर संख्या 6 मौर्य साम्राज्य सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सीरीज समाप्त हो गई है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा देखिएगा। आज का जो लेक्चर है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देनी है कि जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री, बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, केवल 1499 रुपए की सीरीज है। केवल 1499 रुपए में हम बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री का भी आप लोगों को कोर्स कराएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को स्टेट पेपर टू का भी और पीजीटी हिस्ट्री का भी कंप्लीट कोर्स है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री और पीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो ठीक है, और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज आप लोगों को मिलेगी। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा बिहार स्टेट पेपर टू हिस्ट्री और पीजीटी हिस्ट्री का। तो जो भी लोग सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए एक अलग लेक्चर वीडियो, लेक्चर संख्या 6 मौर्य साम्राज्य से संबंधित आप लोग का आज का लेक्चर होगा। एक बात और बता दूं, हमारे द्वारा जो भी कुछ आप लोग को मटेरियल दिया जाएगा वह एकदम रामबाण होगा, परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होगा। इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें, इसे आप हल्के में मत लें, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण रहेगा ठीक है। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति, जिस मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिस मौर्य साम्राज्य का आज का चैप्टर आपका प्रारंभ हो रहा है, उसकी प्रकृति क्या थी, वह साम्राज्य था कैसा भाई, तो मौर्य साम्राज्य की प्रकृति देखनी है। मौर्य साम्राज्य का प्रकृति का मतलब मौर्य साम्राज्य था कैसा, तो वह मौर्य साम्राज्य कैसा था, तो इसे देख लेते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की जो प्रकृति है वह साम्राज्यवादी प्रकृति है। मौर्य साम्राज्य की जो प्रकृति है साम्राज्यवादी प्रकृति है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने एक बड़े महान साम्राज्य की स्थापना किया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य किसी भी राजवंश का नहीं रहा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का था, जो मौर्य वंश के शासकों का था। मौर्य वंश के जो शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अशोक ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए मौर्य साम्राज्य की जो प्रकृति है वह साम्राज्यवादी प्रकृति है। इसके अलावा चक्रवर्ती की संकल्पना, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे शासक हुए जो चक्रवर्ती शासक बनना चाहते थे। चक्रवर्ती शासक का मतलब, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब कि उसके आस पास इर्द गिर्द कोई भी शासक उसका मुकाबला करने का दुस्साहस न कर सके, ऐसे शासक को चक्रवर्ती शासक कहा जाएगा। तो चक्रवर्ती की संकल्पना भी मौर्य साम्राज्य में आई। फिर केंद्रीकृत राज्य और प्रशासन, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में या मौर्य साम्राज्य के शासन में केंद्रीकृत प्रशासन था, मतलब सब कुछ सेंट्रल में था, सेंटर में था ठीक है। मतलब पाटलिपुत्र जो था वह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, सारा नियंत्रण पाटलिपुत्र से होता था। हालांकि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, विकेंद्रीकरण का मतलब कि कुछ अधिकार राज्यों को भी विभाजित कर देना, विकेंद्रीकरण का नियम मौर्य साम्राज्य में था, लेकिन शक्ति का जो मुख्य केंद्र था वह पाटलिपुत्र था, मतलब केंद्र ही शक्ति का मुख्य केंद्र था। तो केंद्रीकृत राज्य और प्रशासन। फिर देखिए नवीन राज्य और प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण, नवीन राज्य बने और प्रजा कल्याण का दृष्टिकोण भी परिलक्षित हुआ था। मौर्य साम्राज्य में और भी काम हुए थे, धम्म और नौकरशाहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों और विस्तृत एवं प्रभावी नियंत्रण भी लागू हुआ था। मौर्य साम्राज्य में विकेंद्रीकरण के तत्व मौजूद थे, हालांकि केंद्रीय व्यवस्था प्रभावशाली थी। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है जब हम एक विस्तृत साम्राज्य को, जैसे पूरे राज्य को जब राज्यों में विभाजित कर दिया जाता हो और राज्य को भी थोड़ा बहुत अधिकार दे दिया जाता है, तो इसे ही हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। जैसे हमारे देश में क्या है, विकेंद्रीकरण वाली व्यवस्था है ठीक है।
लेकिन जो पूरी व्यवस्था है वह केंद्र के अधीन होगी, मतलब केंद्र शक्तिशाली रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था इसमें थी मौर्य सम्राट में। मतलब अगर मौर्य सम्राट की प्रकृति, प्रकृति का मतलब मौर्य सम्राट के लक्षण क्या है, तो साम्राज्यवादी परिकल्पना है मौर्य सम्राट में। चक्रवर्ती की संकल्पना है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े चक्रवर्ती शासक हुए हैं, ठीक है, और केंद्रीकृत राज्य है, और राज्य जो है केंद्रीकृत है, मतलब केंद्र में ही सारा शासन है, केंद्र में ही शक्ति है, लेकिन विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी मौजूद है, ठीक है। तो यह मौर्य साम्राज्य की प्रकृति है। अब मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, और यह चंद्रगुप्त मौर्य का एक पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, यही है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां से आप लोगों को पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। मौर्य साम्राज्य के पहले शासक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 322 बीसी में हुई थी। 322 बीसी में मतलब 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और मौर्य वंश के जो पहले शासक थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक वैसे नहीं बन गए, उनको शासक बनाने वाले कौन थे, कौटिल्य थे, चाणक्य थे। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य है, चाणक्य का ही एक नाम विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश का जो शक्तिशाली शासक थे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, अब मौर्य वंश के जो संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना जाता है। तब जरा इनकी मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके कुल के बारे में, इनके गोत्र के बारे में, इनके वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा विद्वानों में मतभेद है। जैसे बौद्ध ग्रंथ जो है, जो जैन ग्रंथ है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय कुल का बताते हैं, जबकि ब्राह्मण साहित्य जो है इन्हें शूद्र कुल का बताता है। तो विद्वानों में यह मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि यह क्षत्रिय कुल के ही थे, क्षत्रिय कुल के ही थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त द्वारा किया गया है। अब मुद्रा राक्षस जो एक पुस्तक है, इसकी रचना विशाखदत्त द्वारा किया गया है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यातवृत्त के आधार पर कौटिल्य की राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख किया गया है। मतलब मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, विशाखदत्त की पुस्तक है। और इस पुस्तक में है क्या, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच रणनीतियों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से संबंधित जो आख्यान है वह आपके मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, विशाखदत्त की पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के ख्यातवृत्त पर आधारित है, मतलब उनकी राजनीतिक सफलता पर आधारित यह पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। और इसी ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है, नंदराज का पुत्र कहा गया है मुद्रा राक्षस में। हालांकि यह अतिशयोक्ति है, यह सही नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन ऐसा कहा गया है। नंदराज का मतलब जानते हैं मुद्रा राक्षस में क्या कहा है, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, विशाखदत्त की पुस्तक है, इसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके पुत्र है, पुत्र है नंदराज के पुत्र है। नंदराज कौन, घनानंद, घनानंद के पुत्र माने गए हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब घनानंद की एक पत्नी थी, घनानंद की पत्नी एक थी, उसका नाम मूरा था, और मूरा से उत्पन्न था चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए इसका नाम मौर्य पड़ा, ऐसा कुछ है विशाखदत्त में, जबकि ये बात है सही नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आता है तो ऐसे ही आ सकता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस में कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़े के बारे में देखेंगे। अरे वही कौटिल्य है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिए, शासक बना दिए, उसी कौटिल्य की बात कर रहा हूं। कौटिल्य का नाम क्या है, कौटिल्य का एक नाम है इनका, देखिए कौटिल्य के कई नाम है भाई, कौटिल्य का एक नाम है चाणक्य, कौटिल्य का एक नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, ठीक है। कौटिल्य का एक नाम है अंशु, एक नाम है अंशुल, ठीक है, एक नाम है इनका अंगुल, एक नाम है द्विजर्भस, द्विजर्भस मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब कौटिल्य के ही नाम है, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, यहाँ पर देख सकते हैं ये अर्थशास्त्र की पांडुलिपि आप लोगों को दिखाई दे रही है, और यहाँ पर चोटी बनी हुई है, यह है कौटिल्य, ठीक है। आज भी जो बड़े रणनीतिकार होते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको कौटिल्य का उपनाम दिया जाता है। इस समय किसको कौटिल्य कहा जाता है, किसको चाणक्य कहा जाता है, बताइए,
इस समय भारत की राजनीति का चाणक्य किसे माना जाता है, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई, यह पुस्तक जो है 15 अधिकरण में है, 15 अधिकरण में है। प्रश्न सीधे सीधे आ जाता है, पहला तो आएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो कौटिल्य है। और जो अर्थशास्त्र है ना, ये किसकी पुस्तक है, मतलब किसके लिए, मतलब अर्थशास्त्र जो है किस पर आधारित है, राजनीतिक विज्ञान पर आधारित यह पुस्तक है अर्थशास्त्र। यह मत समझ लीजिएगा यह इकोनॉमिक की पुस्तक है, यह राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, राजनीति की पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण में विभाजित है, 15 अधिकरण मतलब 15 अध्याय में विभाजित है, अधिकरण इसे बोलेंगे। 15 अधिकरण हैं, 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, किसमें, अर्थशास्त्र में। 15 अधिकरण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र भी विभाजित है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो कंपेयर किया जाता है मैकियावेली, इटली के एक राजनीतिक शास्त्री है मैकियावेली। तो मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंस, देखिए मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंस। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसीलिए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। और हम तो छाती ठोकते हैं इस पर, वाह मजा आ गया, चाणक्य जो है वो भारत का मैकियावेली है, क्या बढ़िया उपनाम दिया गया है, हालांकि यह मजाक उड़ाया गया है। अरे यार, चाणक्य के आगे मैकियावेली कोई कोई था, कोई औकात थी उसकी, मैं औकात किसी से बात कर रहा हूँ, इटली का था ना मैकियावेली। अरे इटली कितना बड़ा छोटा छोटा सा कंट्री था, वो भी 15वीं सदी में, और इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने वाला, एम्पायर खड़ा करने वाला, एक चरवाहे को सम्राट बनाने वाला, इतना बड़ा राजनीतिक मर्मज्ञ, चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। अरे यार मैकियावेली को बोलो ना इटली का चाणक्य, हद होती है। वह मौर्य सम्राट जो काबुल, कंधार, हिरात, मकरान तक विस्तृत था, वह मौर्य सम्राट जहां पूरे विश्व को जीतने वाला सेल्यूकस आकर घुटना टेक कर चला गया और अपनी बेटी की डोली देकर चला गया, उस मौर्य सम्राट को, एम्पायर को खड़ा करने वाला चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। और हमारा पश्चिमी जगत तो कहेगा ही, लेकिन पूर्वी जगत स्वीकार भी कर ले रहा है, इतिहासों में लिखा है, हम पढ़ने पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, क्या कर सकते हैं। हालांकि मैकियावेली भी महान रहा होगा, लेकिन उसकी महानता की तुलना चाणक्य से नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी रणनीतिकार रहा होगा, लेकिन उसकी बहुतना महान, मतलब एक कहा जाए ना, दीपक भी जलता है और सूर्य भी जलता है, इतना अंतर है चाणक्य और मैकियावेली में। चंद्रगुप्त मौर्य के अनेक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के कितने नाम है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, अलग 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 विद्वानों ने अलग अलग विदेशी विवरण में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है सेंड्रोकोटस, किसी में कहा गया है सेंड्रोकोप्टस, किसी में एंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, तो देखिए कुछ पश्चिमी विद्वान, कुछ विदेशी विद्वान, स्ट्रैबो, देखिए मनमिनट, स्ट्रैबो, देखिए स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है अपनी रचनाओं में। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, दिमाग में बैठा लिए, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। एंड्रोकोटस किसने कहा है, एपियानस ने और प्लूटार्क ने, एपियानस प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है, एपियानस प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स, अरे यही विलियम जोन्स है जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम की संस्था को बनाया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, और इन्होंने ही बताया कि जिस सेंड्रोकोटस की बात की जा रही है ना, दरअसल यही चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसकी बात स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के रूप में किया है, दरअसल वही चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही वह लोग सेंड्रोकोटस कहते थे। ठीक है, यह बात किसने बताई थी, विलियम जोन्स ने बताई थी। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त की भेंट जो हुई थी चाणक्य से हुई थी,
तो चंद्रगुप्त, अच्छा जब चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात चाणक्य से होती है, चाणक्य की मुलाकात जब चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो खेल रहे थे वह राजकीलम है, राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे, जिसमें कुछ बच्चे थे, कोई राजा बना था, कोई मंत्री बना था, कोई सेनापति बना था, कोई चोर बना था, कोई मुजरिम बना था, कोई जल्लाद बना था, ऐसा बन रहे थे। तो ऐसे खेल को जब राजा मंत्री का खेल खेला जाता है, इस खेल को बोला जाता है राजकीलम, राजकीलम। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजकीलम खेल खेल रहे थे अपने साथियों के साथ, तब विष्णुगुप्त की मुलाकात होती है, मतलब चाणक्य की मुलाकात होती है, और वह प्रभावित होते हैं चाणक्य की। दरअसल इस व्यक्ति में, इस बच्चे में राजा होने का गुण होता है, और इसके बाद वह अपना अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को सारी शिक्षा देते हैं। जब चाणक्य शिखा खुलती है, नंद वंश कट जाता है। ठीक है, चाणक्य की शिखा खुल गई तो नंद वंश कट गया। देखिए मेघस्थनीज, अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, तो मेघस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनान से आया था, सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी में अपने आका सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए मौर्य साम्राज्य पर अटैक बोल दिया और मुंह की खाया, अपनी बेटी की डोली भी चंद्रगुप्त मौर्य के वहां दिया, काबुल कंधार हेरात मकरान भी दिया, मेघसनीज को उसका दूत बनाकर, मेघसनीज को दूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जैसे लुकस निकेटर का राजदूत था, मेघसनीज इसकी मूर्ति दे सकते हैं, यह मेघसनीज था, बहुत विद्वान व्यक्ति था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5-7 साल रहा। ठीक है, 5-6 वर्ष रहा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मेघसनीज ने 320 302 ईसा पूर्व से लेकर 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया, लंबा वर्ष रहा। ठीक है, लगभग 14-15 साल रहा मेघसनीज, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेघसनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य इनकी पुस्तक है, मेघसनीज की पुस्तक है। हालांकि मेघसनीज ने जो इंडिका लिखा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें भ्रामक रूप में लिखी है, ऐसी बातें लिखी है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसा कि मेघसनीज ने लिखा है अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता, यह बातें गलत हैं। भारत में अकाल पड़ता है, लेकिन उसने लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है, पड़ता है उस टाइम के दौरान, हालांकि उसमें अकाल तो पड़ ही रहा था। ठीक है, लेकिन उसने लिखा भारत में भी अकाल नहीं पड़ता है, और फिर उसने लिखा भारत में दास प्रथा नहीं है। अब सोचिएगा, मेघसनीज ने लिखा भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन दास प्रथा था। लेकिन देखिए, मेघसनीज जिस देश से आया था, यूनान से आया था, वहां पर दासों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था, उस तरह का बर्बर व्यवहार हमारे यहाँ के दासों से नहीं किया जाता था। इसीलिए मेघसनी जी ने कहा कि भारत में, ओहो, भारत में तो दास प्रथा है ही नहीं, क्योंकि दासों के साथ जो गंदा घिनौना घटिया कार्य लिया जाता था, जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था, उस तरह से व्यवहार दुर्व्यवहार हमारे देश में नहीं होता था दासों के साथ। तो इसीलिए मेघसनी जी ने कहा कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं, हालांकि दास प्रथा था। ठीक है, तो मेघसनी जी ने लगभग 302 BC से 288 BC तक भारत का दौरा किया, मतलब इस इतना समय तक भारत में रहा। मेघसनीज ने इंडिका में कहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं और भारत में दास प्रथा नहीं है, ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा, यह बात है मेघसनीज ने कही थी। सुदर्शन झील की बात करेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षाओं में बार बार आता है, बार बार आता है सुदर्शन झील के बारे में। दरअसल यह सुदर्शन झील जो है ना, यह दक्षिण भारत में है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है यह आपका दक्षिण भारत में है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया था सुदर्शन झील को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सूबेदार था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील बनवाया था, गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, राज्यपाल था पुष्यगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहने पर बनवाया था। और इसके बाद जब यह सुदर्शन झील बन जाता है, तो उसके बाद बहुत बार बार बहुत सारे शासकों ने इसमें योगदान दिया, बहुत सारे शासकों ने इसका पुनरुद्धार कराया, इसका पुनर्निर्माण कराया।
इसकी मरम्मत करवाई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बनवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन गिर का निर्माण करा दिया, ठीक है। उसके बाद अशोक के समय में तुशास्य वहां का गवर्नर था, उसने भी उसकी मरम्मत करवाई, ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय में भी सुदर्शन जी की मरम्मत हुई थी। रुद्रदामन के समय में उसका गवर्नर सुविशाख ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तो बार बार बहुत सारे शासकों ने सुदर्शन झील के निर्माण में और मरम्मत में योगदान दिया, क्योंकि यह जन कल्याणकारी कार्य था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन कौन से शासकों ने योगदान दिया, किसके समय में कौन सा गवर्नर ने योगदान दिया, यहाँ से संबंधित प्रश्न आता है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए गिरनार अभिलेख के अनुसार, गिरनार अभिलेख कहाँ दिया, गिरनार अभिलेख जो है जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ है भैया, ये आपके गुजरात में पड़ता है, गुजरात में जूनागढ़ है, ठीक है, यहीं पर गिरनार अभिलेख है। अब गिरनार अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का है। गिरनार अभिलेख जो है वह रुद्रदामन का है, ठीक है। तो गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत की विजय के दौरान पुष्यगुप्त वहां का गवर्नर था। कालांतर में अशोक के गवर्नर, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के समय में सुदर्शन झील अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था। बिंदुसार के बाद शासक बनता है अशोक, और सम्राट अशोक के समय में उसका गवर्नर तुशास्य ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, मतलब मरम्मत कराई थी, ठीक है। गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय में वहां का गवर्नर कौन था, पड़दत्त था, और उसने भी झील की मरम्मत कराई थी। उसके शासन काल में, देखिए स्कंदगुप्त के समय में ही इस झील का बांध टूट गया था। स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का जो बांध है टूट गया था, जिससे प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया, ठीक है। स्कंदगुप्त ने उदारता के साथ इस बांध का भी खर्च उठाया था, इसका सुदर्शन झील का, और उसके गवर्नर पड़दत्त ने इस झील की मरम्मत कराई थी। पड़दत्त का पुत्र, गवर्नर का पुत्र चक्रपालित ही इस प्रदेश में सेवा दे चुका था। इसने झील के तट पर, देखिए सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर है, सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर है। दरअसल यह मंदिर किसने बनवाया था, यह स्कंदगुप्त के गवर्नर पड़दत्त का पुत्र था चक्रपालित, और इसने यह मंदिर बनवाया था सुदर्शन झील के तट पर, भगवान विष्णु का मंदिर इसने बनवाया था। तो सुदर्शन झील से संबंधित यह सब सारे फैक्ट हैं जो बहुत बार पूछते हैं, और अगर यहाँ तक इतना ये सब सारे प्रश्न अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपका इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1499 रुपये का कम्प्लीट कोर्स है। जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का भी कंप्लीट तैयारी आप लोग का इसी में हो जाएगा, तथा साथ ही साथ बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी होगा। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया गया है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397266, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।